हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू लेक्चर ऑफ कार्बन क्लासेस। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज के लेक्चर में हम लोग एक SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब जब 12th शुरू होती है और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है, तब सबसे पहली जो रिएक्शन मैकेनिज्म है जिसको आप लोग पढ़ते हो वो होती है SN2 रिएक्शन, है ना। सो SN2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। अब देखो S क्या है, S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और जो 2 स्टैंड करता है वो 2 किसके लिए स्टैंड करता है, वो 2 स्टैंड करता है बायमोलिक्यूलर के लिए। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हुई, रिएक्शन का नाम हुआ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर। अब सब्स्टिट्यूशन तो समझ आया, किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, बायमोलिक्यूलर नाम कहां से आया है, तो बायमोलिक्यूलर आया है रेट ऑफ द रिएक्शन से। इस बायोमोलिकुलर की बात हम आगे करेंगे कि बायोमोलिकुलर आया कैसे। पहले इसके रिएक्शन के एक एग्जाम्पल जान के एक बार मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है। व्हाट इज दिस एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इस पे क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक नेगेटिव चार्ज कैरिंग स्पीशीज। अब देखो इस एल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल को एज इट इज समझो कि ये कोई लड़का है। ठीक है, ये कोई लड़का है। अब इसको एक बॉन्ड बनाना है, ठीक है, किसी नई गर्लफ्रेंड ढूंढने जाना है उसने। ठीक, ऑलरेडी उसके पास पहले से एक गर्लफ्रेंड मौजूद है जो एक्स है। एक्स क्या है, ये हैलाइड मॉलिक्यूल है। ठीक, व्हाट इज एक्स, एक्स इज अ हैलाइड मॉलिक्यूल। अब उसको क्या करना है, उसको एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढने जाना है, या नई गर्लफ्रेंड उसको ढूंढ रही है, कोई गर्लफ्रेंड उसको ढूंढ रही होगी। तो पहले क्या करेगा, पहले इस एक्स को, पहले उसे इस एक्स को दूर भगाना है, इस हैलाइड मॉलिक्यूल को दूर भगाना है, तभी तो नई के साथ बॉन्ड बना पाएगा ना। तो दो तरीके हैं, अब नई वाली गर्लफ्रेंड दो तरीके से अप्रोच कर सकती है इस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन को। ठीक, डेल्टा पॉजिटिव कार्बन कैसे है, ये एक्स क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये पुरानी वाली गर्लफ्रेंड कैसी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन चूस रही थी अपनी तरफ, इससे इलेक्ट्रॉन, इट वॉज पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया, इस पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आया, है ना। अब नई वाली गर्लफ्रेंड पैसे वाली है, न्यू गर्लफ्रेंड, सो ये क्या कर रही है, ये इससे बॉन्ड बनाना चाह रही है। बॉन्ड क्यों बनाना चाह रही है, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन दो तरीके से दे सकती है, मतलब न्यूक्लियोफाइल इस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन को दो तरीके से या दो तरफ से अप्रोच कर सकता है। या तो ये न्यूक्लियोफाइल सामने से अप्रोच करेगा, या तो ये न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड अटैक करेगा। ठीक है, या तो ये न्यूक्लियोफाइल सामने से अप्रोच करेगा इस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन को, या तो न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड अप्रोच करेगा। अब सामने से अप्रोच नहीं हो पाता ये न्यूक्लियोफाइल इस एक्स, ये हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ, फॉरवर्ड अप्रोच इज नॉट फेवरेबल। क्यों फेवरेबल नहीं है, अब ऐसे समझो, ये पहले से उसकी एक्स थी, ठीक है, अपनी एक्स के सामने वो नहीं उससे बॉन्ड बना लेगा, नहीं बनाएगा, तो क्या करेगा, वो पीछे का दरवाजा खुला है, पीछे के दरवाजे से बुलाएगा, है ना। और वैसे भी सामने से क्यों ये प्रोसेस फीजेबल नहीं है, बिकॉज यहां पर ये एक्स क्या है, हैलाइड मॉलिक्यूल, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरिंग स्पीशीज, इसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर रिपल्शंस होंगे, यहां पर क्या रहेगा, रिपल्शंस रहेंगे।
ठीक है, तो रिपल्शन रहेंगे, तो रिपल्शन की वजह से फॉरवर्ड अटैक इज नॉट फेवरेबल। तो न्यूक्लियोफाइल कहां से आता है, न्यूक्लियोफाइल बैकवर्ड अटैक करता है इस डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे। अब बैकवर्ड अटैक करता है साइमल्टेनियसली इस बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स ये हैलाइड ले जाता है, और देखो प्रोडक्ट में हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, दिस इज आर वन, ठीक है, आर टू न्यूक्लियोफाइल, दिस इज आर थ्री प्लस एक्स माइनस, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने बैकवर्ड अटैक किया, बैक वाली जगह पे अटैच हो गया, और क्या हुआ, जो आर टू वाला मॉलिक्यूल इधर था वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट करके इस तरफ आ गया, ठीक है, उसकी नेक्स्ट तरफ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल ने क्या शो किया, इस मॉलिक्यूल ने इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन शो किया है, ठीक। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का क्या मतलब है कि जो कॉन्फिगरेशन उसके पहले थी उसके उलट हो गई, ठीक है, मिरर लगा के अगर आप कंपेयर करो तो इसकी कन्वर्जन, इसकी इन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा SN2 मैकेनिज्म, कुछ नहीं हुआ, न्यूक्लियोफाइल को सामने से आना था, सामने से रिपल्शन थी इसलिए उसने पीछे से अप्रोच किया, पीछे से अप्रोच किया, जो हैलाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव था इसने इलेक्ट्रॉन लिए बाहर निकल गया और ये मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है। अब यहां पर आपको एक चीज नोट करने वाली है कि SN2 रिएक्शंस आर ऑल सिंगल स्टेप रिएक्शंस, दीज आर ऑल सिंगल स्टेप रिएक्शंस, ठीक है, SN2 रिएक्शंस आर ऑल सिंगल स्टेप रिएक्शंस। अगर आप इसका ट्रांजिशन स्टेट पे गौर करो, आप इसका ट्रांजिशन स्टेट पे गौर करो, तो व्हाट ट्रांजिशन स्टेट दिखता है, ऐसे ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें ये मॉलिक्यूल रहा आर वन, ये रहा आर टू, ये रहा आर थ्री, यहां से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है और यहां से एल्काइल हैलाइड जा रहा है। तो ये वाला बॉन्ड जो बन रहा है ये है बीबी, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन, और ये जो बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है, ठीक है, इसको कर दो बॉन्ड फॉर्मेशन बीएफ और इसको कर दो बॉन्ड ब्रेकेज, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बन रहा है, हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ हो रहा है बॉन्ड ब्रेकेज। अब इस मॉलिक्यूल के लिए अगर हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, अगर ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, जो ये ट्रांजिशन स्टेट है उसके लिए ज्योमेट्री की बात करें, अगर उसकी ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री यहां पर क्या है, sp2। देखो ज्योमेट्री में कभी भी जो बॉन्ड बन रहे होते हैं और जो बॉन्ड टूट रहे होते हैं उनको कैलकुलेट नहीं करते हैं, उनको नहीं लेते हैं, जो ऑलरेडी बॉन्ड प्रेजेंट है उनको लेना है हमको। तो ऑलरेडी जो तीन बॉन्ड है वो प्रेजेंट है, बाकी ये जो बन रहा है ये टूट रहा है इसको कैलकुलेट नहीं करते, तो उस पे ज्योमेट्री sp2 है, ज्योमेट्री sp2, तो इसकी ज्योमेट्री के बिना पे शेप क्या रहेगी, शेप रहेगी इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है, इसकी शेप क्या रहेगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। आई बात समझ में, बहुत सही से आई। अब अगर इसका एनर्जी कर्व जाने, अब इसका अगर एनर्जी कर्व जाने तो एनर्जी कर्व कैसा रहेगा, दिस इज एनर्जी कर्व एंड दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो कुछ बेल शेप्ड ग्राफ रहेगा ऐसे, ये क्या है, दिस इज एन एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल, यहां पर क्या है, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट यहां पर शो कर रखा है मैंने, वाई एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट की है, एंड नाउ दिस इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल विद योर एल्काइल मॉलिक्यूल। तो कुछ ऐसा रहेगा इसका एनर्जी का ग्राफ। अब अपने ने एनर्जी का ग्राफ समझ लिया,
अब बात करते हैं why this reaction is called bimolecular, why this reaction is called bimolecular. इस reaction को bimolecular इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर मैं इस reaction का rate लिखूं, अगर मैं इस reaction का rate लिखूं, तो इस reaction का rate किस पे depend करता है? इस reaction का rate depend करता है आपके alkyl halide पे और न्यूक्लियोफाइल पे, ठीक है? तो इस रिएक्शन का रेट बोथ एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है. तो इसीलिए इस रिएक्शन को बायमोलिक्यूलर कहा जाता है, ठीक है? इसीलिए इस रिएक्शन को बायमोलिक्यूलर कहा जाता है, ठीक है? अब इतनी सारी बातें हो गई. अब SN2 कौन सी एल्काइल हैलाइड के साथ फेवरेबल है, ठीक है? एक बार वो जान लेते हैं. सो रिएक्टिविटी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा शो करता है 1 डिग्री हैलाइड के लिए, ठीक है? उससे कम रिएक्टिविटी शो करता है किसके लिए? 2 डिग्री हैलाइड के लिए. उससे कम रिएक्टिविटी शो करता है 3 डिग्री हैलाइड के लिए, ठीक है? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसके लिए शो कर रहा है? 1 डिग्री हैलाइड के लिए. उससे कम रिएक्टिविटी शो करता है 2 डिग्री हैलाइड के लिए. उससे कम रिएक्टिविटी शो करता है 3 डिग्री हैलाइड के लिए. अब ऐसा हो क्यों रहा है कि 1 डिग्री के लिए सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री? बेटा ये होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, ठीक है? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण. तो एक पॉइंट और लिख लेना है, इसे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? स्टेरिक हिंड्रेंस या स्टेरिक क्राउडिंग. कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना कम रेट ऑफ द रिएक्शन होगी. सेम चीज यहां दिख रही है, जितना बड़ा मॉलिक्यूल है उतनी कम रेट ऑफ द रिएक्शन, तो उतनी कम रिएक्टिविटी होगी, है ना? अब यहां समझो, मॉलिक्यूल में यहां समझो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को बड़ा बना दूं, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इतना बड़ा बना दूं, 3 डिग्री बना दूं, ठीक है? 3 डिग्री मॉलिक्यूल है. सपोज देखो ये तुम्हारा हैलाइड है, ये 3 डिग्री मॉलिक्यूल है, 3 एल्काइल हैलाइड्स हैं, मतलब 3 CH3 ग्रुप्स या CH3 से बड़े ग्रुप्स यहां लगे हैं. तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच है, इतने बड़े ग्रुप्स के सामने बहुत कम हो जाता है, ठीक है? मतलब उसको अप्रोच करना है डेल्टा पॉजिटिव कार्बन को, और ये डेल्टा पॉजिटिव कार्बन को कौन, उसके अप्रोच को कौन रोक रहा है? इतने बड़े बड़े स्टेरिक हिंड्रेंस वाले ग्रुप्स, इतने बड़े बड़े बल्की ग्रुप्स. तो इस न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच कौन रोक रहा है? इतने बड़े बड़े ग्रुप्स, कहां पर? ये डेल्टा पॉजिटिव कार्बन को. बात समझ में आ रही है? इसलिए रिएक्टिविटी 1 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की. आई बात समझ में? तो ये दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन, और इस रिएक्शन के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. जैसे कि एक बहुत फेमस एग्जांपल है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है? वो भी एक SN2 रिएक्शन का बहुत अच्छा सा एग्जांपल है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस. ये आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा, मैंने वीडियो भी डाल रखी है विलियमसन ईथर सिंथेसिस के ऊपर. सो दिस इज ऑल अबाउट SN2 रिएक्शन. अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है? अगर आपको समझ आ रहा है तो. सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग. टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल.